इंडिया फैक्ट न्यूज के संपादक नावेद आजमी, इनका सम्मान ह्यूमन राइट्स डे के मौके पर ग्लोबल वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से किया गया। इस मौके पर नावेद आजमी ने इनबीसीएन समक्ष जानकारी दी। वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए विदर्भ के कई जिलों से लोग आए थे। तकरीबन 15 लोगों को सम्मानित किया गया, लेकिन इस मौके पर इंडिया फैक्ट न्यूज के संपादक नावेद आजमी इनकी ओर सबका ध्यान आकर्षित हुआ। नावेद आजमी इन्हें आयोजकों ने पुरस्कारों से सम्मानित किया। इस मौके पर नावेद आजमी इनसे इनबीसीएन ने बातचीत की, आइए देखते हैं। इंडिया फैक्ट न्यूज के संपादक नावेद आजमी साहब इस समय में हमारे साथ मौजूद है, जो कि इस इंडिया फैक्ट न्यूज के संपादक हैं। आइए उसे जानना चाहेंगे और आज के ये सत्कार मूर्ति है इस प्रोग्राम में। सर नावेद साहब, हम आपका इस्तकबाल करते हैं, कैसे लग रहा है आज? मुझे बहुत अच्छा लग गया है कि हम जैसे पत्रकारों को इतना बड़ा सम्मान दिया जा रहा है, और मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए, लोगों को जो अपना काम करते हैं, तो प्रोत्साहन के लिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो गई। और क्या कहना चाहोगे जिस प्रकार से आज पत्रकारिता जो मैं ये कहना चाहूँगा, आज के दौर में दिव्यांगों की जो समस्या है, हर मीडिया वाला नहीं उठा पा रहे है ना, तो इसलिए लोगों दिव्यांगों को भी पत्रकारिता में आना चाहिए, मैं ये कहना चाहूँगा लोगों को। बिल्कुल, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार से दिव्यांग लोग जो है उनके ऊपर में नाइंसाफी हो रही है, उनके सरकार की ओर से उनको कुछ मदद नहीं मिल रही है, और दिव्यांग जो लोग हैं, दिव्यांग नहीं होते हैं लेकिन लोग दिव्यांग बोलते हैं, दिव्यांग लोग भी सही मायने में अपने आप में एक मजबूत हुआ करते हैं। ऐसे में ये तमाम क्षेत्रों में इन लोगों ने काफ़ी अच्छा कामकाज किया है और ये लोग पत्रकारिता में भी काम करने के लिए आगे आए। ऐसे इस फैक्ट न्यूज के जो संपादक है नावेद आजमी साहब, इनका ये मानना है और इस प्रकार की ये पहल अच्छी है, और ये आप जो है ये सम्मान पाने के लिए आप देख सकते हो कि ये वहां पे जाने को पूरी तरह से तैयार है। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मीरे, इनबीसीएन न्यूज नागपुर।